हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे साबूदाने वाली स्पेशल ड्राई फ्रूट खीर। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप साबूदाने ले लिए हैं। अब हमें साबूदाने को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से साफ कर लेना है। साबूदाने को बाउल में डाल दें। अब इसमें पानी ऐड करें, अच्छे से धो लेना है। 3 से 4 बार इसी तरह अच्छे से साफ कर लो और सारा पानी निकाल देना है। अब हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। हमें इतना पानी ऐड करना है कि अच्छे से गीले हो जाए। अब साबूदाने को 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। साबूदाने अच्छे से गल चुके हैं, ये देखिए साबूदाने एक एक अच्छे से बढ़िया हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में 1/2 लीटर दूध ले लें। दूध को अच्छे से बॉईल कर लें। दूध को लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते रहें। दूध अच्छे से बॉईल हो गया है, इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसमें साबूदाना ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लें। साबूदाने को दूध में अच्छे से कुक कर लेना है। अब इसमें 3 चम्मच चीनी ऐड करें। केसर वाला दूध ऐड करेंगे। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गाढ़ा होने तक कुक कर लेंगे। खीर हमारी अच्छे से गाढ़ी हो गई है और ये खीर बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, खीर सर्विंग के लिए रेडी है। खीर को ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें। साबूदाने की खीर रेडी है।